तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक सीक्रेट कार जिसमें कि खाली टायर्स यूज हुए हैं, मतलब कि खाली टायर्स। और ये टायर्स किस गाड़ी के हैं? ये है टायर्स जी वैगन G63 जी क्लास मर्सिडीज रो। एक इतनी महंगी कार्स के ये टायर हैं, तो सोच के देखो ये पूरी टायर से कंप्लीट करी गाड़ी हम लोगों को कितने की पड़ी होगी, सब कुछ पता चलेगा। और इस गाड़ी को हम लोग चलाने भी वाले हैं और इस गाड़ी को हम लोग उड़ाने भी वाले हैं। इसमें हेलीकॉप्टर का फैन भी लगाएंगे और इसके अंदर एक स्टीयरिंग भी होगा जिसके ऊपर फ्रैंकलिन बैठ के इसको चलाएगा। और हम लोगों ने इसको कैसे बनाया देखते हैं इस वीडियो में। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग स्पॉन हुए हैं यहां पे कोई रैंप वाली जगह पे जहां पे एक स्टार्ट लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। तो गाइस हम लोगों को यहाँ पे बाइक दी हुई है, अब देखते हैं इस बाइक को लेकर मुझे जाना है, इस रैंप को कंप्लीट करना होगा तभी मुझे जी वैगन शोरूम की लोकेशन मिलेगी। मुझे जी वैगन के शोरूम पे जाना है और वहाँ पे टायर्स को उठाना है, मतलब समझ रहे हो, हमको टायर्स चाहिए जी वैगन गाड़ियों के, मतलब जी वैगन नहीं चाहिए मुझे, जी वैगन की जो अंदर टायर्स लगता है नीचे वो खाली मुझे चाहिए। और उसके लिए मुझे लोकेशन चाहिए और उसके लिए मुझे ये रैंप दिया है और इस रैंप को मुझे कंप्लीट। कंटेनर है, भाग, निकल, थोड़ा आराम से ही करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम लोग सोचेंगे कि जल्दी जल्दी ये कंप्लीट कर लें, ये देखो, देख रहे हो हाँ, ऐसा लग रही है कि आगे खाई है बट आगे होता घंटा भी कुछ नहीं है। अगर थोड़ा भाई, यहाँ पे तीन रास्ते हैं और कौन सा रास्ता मेरे लिए बढ़िया होगा? अगर मैं कहूँ तो तीनों रास्ते हमारे लिए सही हैं, तुम्हारी मर्जी है ब्रो, तुम किस पे कंफर्टेबली चल पाओगे। ठीक है, ये वाला भी कर लेते हैं और जल्दी से इसको भी कंप्लीट। ओ भाई भाई भाई, मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक रास्ता होगा ब्रो, ये तो मेरे लिए ऐसे। अरे अरे, गया ब्रो, भाई ये मैं कहाँ पे अपनी बाइक को ले आया ब्रो। जो भी कह लो, मौत का खेल चल लिया यहाँ पे, अब कहो तो मजा आ गया भाई। मैं अपनी बाइक को बस भगा के लेकर आऊँ, मेरे पास H2R है तभी मैं आराम से आ गया, वरना अगर कोई खटिया फटिया बाइक होती अभी मेरा काम हो जाता। लेट्स बिगिन ब्रो, हमारे लिए ये सिंपल टास्क था, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। जी वैगन शोरूम की लोकेशन मिल जाएगी, बट हम लोग आधा भी नहीं आए क्या अभी? हम लोग सोच रहे हैं आधा आ जाएंगे, आधा भी नहीं आया। अबे भाई, अगर थोड़ा सा लड़ा समझ लो खत्म, क्योंकि नीचे खाई है, इधर ऐसा सिस्टम हो गया है, इधर कुआं इधर खाई, अब नीचे गिरे तो समझ लो खत्म मेरे भाई। ओके, आराम से। ये भी चल रही है क्या ब्रो? मुझे ऐसा फील दे रहा है कि ये जो कंटेनर्स है गोल गोल वाले, ये एक जगह पे अटके नहीं है, बट हाँ लग तो अटके वाला ही सिस्टम दे रहा, बट ये जो पंखे चल रहे हैं ये तो चल रहे हैं ना। अब दो मिनट में इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, फाइन। गया, शिट यार, क्यों यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भैंस की टांग। ऑलराइट गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं, पर गाइस वापस आना बहुत ज्यादा ही कठिन था क्योंकि मैं नीचे गिर गया था उसके बाद, तो मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, तो शुरू से मैंने किया और लिटरली गाइस जितना मुझे इससे आगे जाने में दिक्कत नहीं होगी उतना तो मैं साला अभी करके आ रहा शुरू से। क्या बताऊं यार, डबल चांसिंग मीनिंग वाला सिस्टम जब हो जाता है ना तो गाइस दिमाग खराब हो जाता है यार। अभी मैं दो चक्कर लगा के आ रहा पीछे वाले, और ये रैंप भाई, अब भाई सच बता रहा हूँ भाई, थोड़ी बहुत तो सिस्टम देना चाहिए यार, जिसने भी रैंप बनाया रेलिंग वगैरह देनी चाहिए कि बंदा नीचे ना गिर जाए। अगर नीचे गिर गया तो ऊपर आने का भी कोई सिस्टम दे कि भाई उधर से ही बंदा स्टार्ट करे जहाँ से वो गिरा है, बट यहाँ पे तो भाई शुरू से, नीचे गिरे हो तो शुरू से आओ भैया, ये सिस्टम है। चलो कोई बात नहीं, हम तो आ ही गए हैं दोबारा, अब क्या करें। ये बाइक अपने आप नीचे जा रही थी क्या भाई? ये उल्टे सीधे रैंप लगाए पड़े हैं कंटेनर्स। ओ भाई, ये देखो सरफेस को टेढ़ा कर दिया भाई ने तो। अरे अरे भाई, ये यहाँ पे डस्टबिन यहाँ पे लगा दिया तुमने। लेट्स बिगिन। ओके, आगे कंटेनर है, बस इसको नीचे आने दो। लेट्स बिगिन, अब भी मजा ले सकते हैं भाई, सिस्टम, आओ नीचे आराम से। तो गाइज ये आ गया हमारा कंटेनर नीचे। ओ भाई, ये तो भाई टेढ़ा लगा दिया भाई ने तो। भाई अब तो थोड़ा फंस गई, फंसी नहीं भाई, अरे यार बाइक ना फंस जाए, बाइक निकल गई भाई। अभी मैं सोच रहा था बाइक गई, बट गाइज अगला वाला कंटेनर, भैंस की टांग कंटेनर्स, क्या है यार हर कंटेनर तो चले जा रही है। ओके भाई, मुझे ही पता है मैं कैसे आ रही है यहाँ पे, मुझे एक सेकंड का पता चल रहा कि मैं आ कैसे रहा हूँ यहाँ पे।
क्योंकि मेहनत लग रही है भाई। लेट्स बिगिन। अब थोड़ा ही बहुत बचा होगा मुझे, इतना तो मुझे पता है भाई। एक जी वैगन के शोरूम पे मुझे जाना है और उसके लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है। ब्रो भाई थोड़ा छोटा मोटा चैलेंज दे देते तो सही था यार। अभी तो मुझे बहुत बड़ी गाड़ी बनानी है, अभी तो मेरे लिए टाइम की कमी पड़ रही है और तुम साले यहाँ पे मेरे से ये चीजें करवा रहे हो। बच गया भाई, जो भी कह लो, ये साले कंटेनर जान ले लेंगे एक दिन। साले भैंस की टांग चले जा रही है, एक जगह रुक जाओ सालो। ओके निकल गया। नीचे नहीं। भाई आ गया कंटेनर, आ गया। पीछे चल। भाई अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को समझ नहीं आ रही यार। कंटेनर नीचे आए, अब साले जाना कहाँ पे? अब यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, दिमाग खराब हो गया ऊपर से। हाँ उधर से जाता हूँ शायद। हाँ उधर से रास्ता बढ़िया लग रही है। अरे साले साइड हो जा। गया। बच गया। भाई जब तक जहान है तब तक जान है भैया। निकल गया। आ गया। ये सब वाइट कंटेनर्स हैं तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे मैं चल रहा हूँ भाई। अब तो मैं भाई जो भी कह लो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, हम भी हार नहीं मानने वाले। ब्रो इसके आगे बस भाई जिसने भी ये बनाया है ना, तो अंकल लड़ाई हुई होगी उसकी। चल भाई आगे पेड़ लगाने की क्या जरूरत थी, इतना कुछ कम था यार। पेड़ लगा दिया, फिनिश। आ गया। बस आराम से मेरी जान, आराम से। लेट्स बिगिन भाई। अब नहीं, आराम से जाना है क्योंकि बेफालतू में लास्ट में अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा मैं। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं फिनिश लाइन पे भाई। कब स्टार्ट किया था, कब सालों बाद पहुंचा हूँ यहाँ पे। गुस्सा आता है यार जब नीचे गिर जाते हैं तब ऊपर आने का सिस्टम नहीं है, जब ऊपर आ जाओ नीचे जाने का सिस्टम नहीं है। दिमाग खराब हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रही है। हाँ देखते हैं मुझे लोकेशन। ओ वाओ कितनी सारी गाड़ी खड़ी है भाई, लोकेशन मिल गई यार जी वैगन की। क्या भाई इसी ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ सालों, तुम लोगों ने जान खा के रखी है। अब ये गाड़ी लेके जाऊंगा मैं, ले गया भाई। अब ये करोड़ों की गाड़ी मेरी। अरे टाइम वेस्ट भाई। देखो कितनी ऊपर बनाया था ये रैंप। फाइनली गाइज हम लोग जाने वाले हैं, हमको जो लोकेशन मिली है हमको जाना है ट्रेन स्टेशन के पास, उधर साइड जगह है। और ये मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ साले, ये कहाँ पे ले आए मुझे साले, मेरे को तो रास्ते भी नहीं पता है भाई। मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता भाई। ये सिटी तो है हमारी, ये कुछ और ही है क्या साले? सिटी कहाँ पे? हाँ सिटी तो है यार यही। ओहो मिल गया कार शोरूम मिल गया। बस एक चीज भाई, जानी पहचानी मिल जाए उसके बाद तो भाई हमसे तेज कोई नहीं। ओके भाई देखो ऊपर देख रहे हो, यही रैंप था भाई जो हमारा जान खा रिया था अभी तक। बट कोई बात नहीं, जी वैगन का शोरूम हमको पता चल गया है, बट वही हमको पता लगाना था उसके बाद वो जो गाड़ी बनेगी ब्रो अल्ट्रा लेवल। तो गाइस पेट्रोल पंप के सामने ही है। हाँ उधर ट्रेन स्टेशन था, इधर ही सिस्टम होगा जी वैगन का, यही तो है। हाँ यही है। लो गाइस उतर, नीचे उतरते हैं, पैदल चलते हैं। ऑलराइट गाइस, व्हेन आप लोग देख सकते हो सामने हमारे जी वैगन का। बट भाई आप पुलिस वगैरह सब फिट करी हुई है, महंगी गाड़ी है ना तभी बातचीत करें। हेलो सर उधर जाना था मुझे, अंदर जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जाओ भाई, बिल्कुल जाओ मजे लो। ओके सर हाथ मिला सकते? हाँ ये बात, धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई। पुलिस अच्छी है, मतलब कि हमारे जो सिटी में जो पुलिस है वैसी तो नहीं है भाई। अच्छे से बात करी कि अंदर जाओ मजे लो, जो भी करना काम करो ठीक है भाई साहब। चेकआउट करो भाई, जी वैगन की भाई खदानें खुली पड़ी हैं यहाँ पे ब्रो, कितनी सारी जी वैगन है ब्रो। चलो निकलते हैं आगे, यही मुझे बस, मुझे जी वैगन लेनी भी नहीं है, मुझे टायर्स लेने हैं। और ये टायर्स भी छोटे पड़ गए यार, मुझे ऐसा लग रहा, फील दे रहा है कुछ ब्रो, ये तो बहुत छोटे हैं यार। नहीं यार मुझे सिंपल जी वैगन के नहीं, मुझे थोड़े बड़े टायर्स लेने हैं। चलो इनसे बातचीत करते हैं, ओनर से देखते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह से देखते हैं, शायद हमको बड़े टायर्स मिल जाएं, शायद स्टॉक में हो। अब देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। बट आप लोग थोड़ा नज़र डालो जी वैगन पे भाई। ब्रो जितनी सारी जी वैगन यहाँ पे खड़ी हैं लाइन से, ये सब मैम खरीदने आई हैं। मैम पैसा है आपके पास? लगता तो नहीं है, बट चलो ठीक है बढ़िया बात, खरीदो यार। देखो भाई साहब 30-40 तो यहाँ पे जी वैगन खड़ी पड़ी हैं, और लोग कितनी सारी भीड़ लगी है लोगों की इसको खरीदने के लिए, सोच के देखो ब्रो। कोई बात नहीं भाई, हम लोग तो बस टायर लेने आए थे। सर अगर जी वैगन आप लोग खरीद लो तो मुझे टायर्स दे देना, बस पैसा दूंगा, टायर्स का पैसा दूंगा भर के। चलो गाइज हम लोगों ने अपना बातचीत करते हैं। तो गाइज ये एम्प्लॉय है, बहुत सूट वूट पहन के टाइप फिट है बिल्कुल भाई। ये सर आप ये बताइए मुझे, सर टायर्स लेने इसके थोड़ा बहुत बड़े लेने हैं,
इससे थोड़ा बिगर मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, चलो बढ़िया है सर। कब तक मिल जाएंगे? अभी मिल जाएंगे, आप थोड़ी देर बाद आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़े बहुत सैंपल्स मेरे पास पड़े हैं, मैं लेकर आऊँगा फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, मैं आ रहा मैं आ रही, मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। आप लोग सैंपल्स इकट्ठे करवाओ, देखते हैं मैं कैसा, फिर मैं वैसे फाइनल कर दूंगा। अब मुझे चाहिए बहुत सारे। तो गाइज मैं थोड़ी देर बाद जी वैगन की फिर से जाऊंगा शोरूम पे, क्योंकि गाइज भाई साहब इतनी गाड़ियां खड़ी हैं भाई, मेरा तो मन कर रहा गाड़ी खरीद लूँ, पर टायर थोड़ा ज़्यादा महंगे लग रहे हैं भाई। टायर मुझे ज़्यादा खरीदने हैं, तभी भाई टायर खरीदेंगे। और एम्प्लॉय से बात हो चुकी है, उसने कहा थोड़ी देर बाद आना, सैंपल्स मैं निकाल के रख रहा हूँ। तब तक पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, और पेट्रोल डलवा के फिर निकलते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे वापस। ऑल राइट गाइज, आधा घंटा हो चुका है मुझे और फोन आ गया है मुझे कि भाई आ सकते हो आप लोग, देख लो ये टायर फाइनल हैं तो नहीं है, वरना हम दूसरे मंगवाते हैं फिर। चलो गाइज चलते हैं फिर से, अब देखते हैं क्या सही होंगे वो टायर्स की नहीं। ऑल राइट गाइज, तो बहन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने ज्यादा बड़े टायर्स मंगवा दिए भाई। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं भाई। वो देखो, वो जो सामने टायर्स खड़े हैं वो तो छोटे से हैं, और ये टायर्स इतने ज्यादा बड़े हैं। और मैं देख लूँ एक बार इनका साइज कि मेरे पे यूज हो जाएंगे कि ज्यादा ही बड़े हैं। काम हाँ सही है यार, ज़्यादा बड़े नहीं है, मुझे चाहिए भी इतने ही हैं। और कुछ टायर्स मुझे छोटे भी चाहिए और कुछ टायर्स मुझे बड़े भी चाहिए, और टायर्स बड़े कुछ ज़्यादा चाहिए, छोटे कम चाहिए। तो गाइज फाइनल करते हैं ये, बढ़िया चीज़। सर फाइनल करो, ले सर फाइनल करो, इसको और मंगवा दो। ये तीन मंगवाएं, 30, 40, 50 टायर मंगवाओ आप। तो गाइज सारी पेमेंट वगैरह सब फाइनल होके अब ट्रक जाएगा सीधा हमारे घर पर, टायर उतार देगा। भाई साहब बहुत महंगा सौदा हो गया यार, जी वैगन तो कितनी आ जाएंगी भाई, इतने सारे टायर मंगवा लिए, वो भी छोटे होते तो अलग चीज़ था, बिगर भी टायर है ना तभी ज़्यादा महंगे हो गए। अब गाइज मुझे सबसे पहले एक गाड़ी को, वो वाली गाड़ी में एक्सपेरिमेंट करना है, उड़ाना है उस गाड़ी को भी, उड़ाना है, एरोप्लेन भी बना देना उसे। तो भाई एक मुझे फ़ैन चाहिए हेलीकॉप्टर का, ठीक है, हेलीकॉप्टर का फ़ैन चाहिए, और उसके बाद मुझे एक स्टेयरिंग चाहिए। और स्टेयरिंग तो चलो मैं ले लूँगा, एक आधी गाड़ी मेरे घर खड़ी होगी और उसका उठा लेंगे। और मुझे सबसे पहले चाहिए एक हेलीकॉप्टर का फ़ैन, और सबसे पहले फ़ैन मुझे एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि कोई फ़ैन वगैरह यहाँ पे हेलीकॉप्टर में गया होगा तो वहाँ पे फ़ैन वगैरह सही था, उन्होंने रख लिए, वहीं से खरीद लेंगे हम लोग सीधा, ठीक है। अब गाइस फ़ैन हमारे एयरपोर्ट में मिल जाएंगे, स्टेयरिंग हमारे घर पे है पड़ा ले लेंगे, उसके बाद मुझे एक रॉड चाहिए जिससे भी स्टेयरिंग हमको ऊंचा करके लगाना पड़ेगा, सब कुछ भाई एयरपोर्ट पे ही मिलेगा। ओके भाई, इसके ऊपर भाई मुझे पक्का पता, ऊपर ऐसे ही फेंक दिया भाई, काम भाई इतने प्लेन है, हेलीकॉप्टर यहाँ चलते रहते हैं, ऊपर फेंक दिया। अब हम लोगों को तो बस इसको खरीदना ही पड़ेगा, फ्री में नहीं लेके जा सकते तुम इसे। ऑल राइट गाइस, तो फैन आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा हेलीकॉप्टर का फैन पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल एक्चुअल अच्छी कंडीशन में है ब्रो, कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हेलीकॉप्टर, वो भी हेलीकॉप्टर भी सही था, बट शौक है ना इनके कि महंगे लेने हैं नए लेने हैं, बट थोड़ा बहुत पुराना हो गया तो तोड़ ताड़ के फिर उसको गार्बेज में दे दिया, और यहाँ पे उसका फैन का रख लिया, तो फैन हमको खरीद लेना है बस। तो गाइज फैन का सिस्टम खत्म, अब मुझे एक रॉड चाहिए, और रॉड भी हमको एयरपोर्ट पे ही मिलेगी, क्योंकि गाइज अभी अभी मेरे को पता चला है कि एयरपोर्ट में कुछ पाइपलाइन का काम चालू होने वाला है, तो कुछ नई रॉड्स आई हैं, हम लोग उनमें से एक आधी देख ले, आधी मुझे लेनी नहीं है यार, बहुत सारी आई हैं, बातचीत हुई है ना मेरी, बहुत सारी आई हैं, तो मुझे एक दो तीन चाहिए, ज़्यादा चाहिए भी नहीं, और उठा लेते हैं और क्या है। और ये देखो भाई, ये देख रहे हो भाई, ये क्या ग्लिच हो गया यार भाई, ऐसा भी होता है कुछ यार, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, बट होता है ब्रो। चलो गाइस जल्दी से फिर से ऊपर चढ़ने स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओ भाई कितनी ओ ऑल राइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो कितनी सारी रॉड्स पड़ी हैं ब्रो, बरे दादा भाई ये तो बहुत सारी हैं यार, मुझे एक ही यहाँ से लेनी है, और एक भी मुझे अच्छी खासी महंगी पड़ जाएगी मुझे ऐसा लग रही। तो गाइस रॉड हो गई, अपना हेलीकॉप्टर का फैन हो गया, स्टेयरिंग उठाएंगे बोलेरो का, बोलेरो मेरे पास पड़ी हुई है काम की, मैं चलाता वगैरह हूँ नहीं ज़्यादा, और उसका स्टेयरिंग उखाड़ लेंगे बाद में, फिर से लगा लेंगे, लगाना होगा तो उसका स्टेयरिंग उखाड़ लेंगे, बस काम हमारा फिक्स। अब टायर्स वगैरह का इंतज़ार करते हैं, कब आते हैं पता नहीं अब। तो गाइस तब तक चल के बोलेरो का हैंडल वगैरह निकालते हैं, ये देखो भाई खड़ी है अपनी, काम की है भाई कैंपर वगैरह, इसको बढ़िया काम किया है, काम चल जाता है, बट इसका स्टेयरिंग अब मेरे काम का होने वाला है, क्योंकि स्टेयरिंग लगाना पड़ेगा। बोलेरो का भी ज़्यादा सेटी आ रहा था, ये देखो भाई एक नंबर स्टेयरिंग है, उठाते हैं इसको भी निकाल लेते हैं, और टायर्स का इंतज़ार करते हैं, बोल्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी मुझे कॉल आया है कि टायर्स वाला ट्रक आ गया है, अब जल्दी से। अरे 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 साले ये क्या कर दिया यार, पागल है क्या तू, शिट यार, मैंने अपनी ZX10R
शिट यार, पानी में कौन फेंक देता है गाड़ी को यार, इसको जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा वरना खराब हो जाएगी ये जल्दी। पहले तो यार वहाँ ट्रक भी आया, उसका सामान उतरवाते हैं पहले, बाद में इसको देखेंगे। ऑल राइट गाइस, तो वैन आप लोग देख सकते हो कितने सारे टायर्स आ चुके हैं हमारे ब्रो। देख रहे हो भाई, ये तो बहुत सारे हैं यार, क्रेजी ब्रो। अब इतने सारे टायर्स की एक कार बनेगी, अब पता नहीं अब ये कैसी लगेगी, मुझे नहीं पता, अब जो भी होगा देखा जाएगा, बट चुल मची है तो उस कंप्लीट तो करना पड़ेगा यार। अब मेरे में एक था दिमाग में कि मैं ऐसा करूँगा करूँगा, अब मन कर गया तो अब करना तो पड़ेगा मेरे भाई। तो चलो ठीक है, इतने सारे टायर्स, अब इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। अब ये गाड़ी कैसी बनेगी भगवान जाने। गाइस यहाँ पे गाड़ी को बल्ट करेंगे इस जगह पे, और भाई मैं तो नर्वस हो रहा हूँ कि ये बनेगी भी कि पैसा ही खराब हो जाएगा, अब क्या होगा मुझे नहीं पता। और गाइस मेरे दिमाग में एक चीज आई कि इन टायर्स पे कलर करूंगा, टायर लगा दूंगा तो मजा नहीं आएगा, मैं कलर उठा लेता हूँ। मेरे घर पे ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स पड़े हुए हैं, पिछली बार अपने शोरूम को कलर वगैरह भी किया था, तो कलर्स सारे मेरे घर पे पड़े हुए हैं, तो कलर लेने की जरूरत नहीं। और टायर्स पे कलर करेंगे तो अलग लेवल की गाड़ी बनेगी, तो अच्छी लगेगी कलरफुल। ठीक है जल्दी उठाते हैं यहां से। ओके तो गाइस देख सकते हो 3 हमारे पास ड्रम पड़े हैं कलर्स के, और जल्दी से उठाते हैं इन 3 ड्रम्स को और इसको भी यूज करेंगे हमारे टायर्स में, और जल्दी से गाड़ी को फुल बनाऊंगा ब्रो। फुल गाड़ी को एक फुल भाई 100% मैं तो अपना दूंगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो भाई भगवान की मर्जी है, अगर अच्छी बन गई तो आपको दिखाऊंगा, वरना ये वीडियो अभी खत्म हो जाएगी। ऑल राइट गाइस, तो वैन आप लोग देख सकते हो ये है अपनी जी वैगन कार टायर। भाई इसका नेम क्या, मेरे को कुछ अलग ही लग रही है, बट इसका नेम रखते हैं अभी, रुको 2 मिनट। बट ये देखो भाई अपना फ्रैंकलिन, और इसके हाथ में इतना बड़ा सा स्टीयरिंग, और एक रॉड भी जो मैंने एयरपोर्ट पे लगी थी वही रॉड यहाँ पे लगी है। और देखो टायर वगैरह सब कलर वगैरह भी फिट कर दिया मैंने, सब कलर वगैरह भी कर दिया। और देखो छोटे टायर्स पीछे यूज़ हुए हैं, छोटे टायर्स भी मंगवाए थे, और छोटे टायर का मंगवाने का यही रीज़न है कि फैन लग जाएगा, फैन लग गया। अब गाड़ी का थोड़ा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, थोड़ी बहुत पीछे लगती है कि जैसे थार के पीछे एक टायर होता ना, तो मैंने इसके पीछे भी एक टायर लगा दिया, जैसे कि 2 टायर लगा दिया, जिससे कि ये थोड़ा फील दे कि कार ही है ब्रो, आगे पीछे सेम हो जाएगा तो पता नहीं चलता ना कार कौन सी है। फिर देखो भाई क्या भाई अलग ही, रेड कलर का यूज मैंने कुछ ज्यादा ही किया। तो गाइज ये है इसका फ्रंट लुक, फ्रंट लुक में भाई ये दो जो छोटी छोटे टायर लग रहे ये लाइट है, ये छोटा टायर अंदर है, ये बीच वाला ये भी लाइट है। अब आपको भाई लाइट नहीं, पर मैंने कॉन्सेप्ट से कार बनाई है ब्रो, ये लाइट ही आगे जाके इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे लाइट लगेगी, बट ना मान लो तुम। और ये कार कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, मेहनत हद से ज़्यादा लग गया, स्टीयरिंग फिट बिल्कुल अलग ही लेवल की बनाई है भाई कार मैंने। अभी अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से इतना कुछ खास नहीं है, अभी तो ये कार स्टार्टिंग करी है मैंने बनाने में। तो गाइज हम लोग जाने वाले हैं कार के अंदर, देख सकते हो आप लोग ये देखो भाई यह है अपनी अंदर से कार। अंदर आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बट गाइज अगली बार इसका पार्ट 2 अगर बनाऊंगा तो मैं इस कार को इतना लग्जरी बना दूंगा अंदर से, तुम कहोगे ये है ही नहीं वो, ये नहीं है वो, बट ये वही कार होगी। देखो भाई इसके पैर, हाँ इसके बैठने वाली सीट भी बनानी है यार, ये टायर्स के ऊपर ही बैठा हुआ तब से, करेंगे अभी बहुत कुछ, बट ये टायर बट मैंने कॉन्सेप्ट थ्योरी लगा के बना तो डाली ना, बस काम हो गया, अब इसको चलाते हैं। तो गाइस फाइनली घड़ी आ चुकी है इस कार को चलाने के लिए। इवन इफ यू हैव नो टैलेंट बट इफ यू हैव फोकस यू विल विन। तो गाइस अभी मैंने ये थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरी मैंने अभी फेंकी है ना, समझो भाई मजा आ रही है, अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है बट फोकस से काम कर रही हो तो जीतना तो पड़ेगा मेरे भाई। मैंने पूरा फोकस लगाया और इस गाड़ी को बना दिया, भले टैलेंट कोई यूज नहीं हुआ इसमें, बट अब ये चलेगी। तो गाइज इंजन स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं फैन घूमते हैं कि नहीं, और खर्चा हुआ है तो कुछ तो काम तो करेगी। भाई पंखे भी चल रहे हैं इस गाड़ी के यार। ओ ब्रो हम लोगों ने जी वैगन टायर कार को चला के दिखा दिया ब्रो, हम लोगों ने एक टायर कार को बनाया है ब्रो, जो कि हमारे व्हील कार, इसका नेम रखो भाई तुम जल्दी से कमेंट्स में, मेरे को समझ नहीं आ रही है। चल देखो भाई क्या लग रही है यार। ओ भाई स्पीड चेक करो ब्रो, अरे दादा क्या स्पीड है ब्रो, भाई ये स्पीड तो मैक्सिमम है ब्रो, अल्ट्रा लेवल। भाई पंखे देखो भाई, वो ये देखो फाइनली ये कार फ्लाइंग भी कर रही है। ओ भाई ये कार नीचे भी चल सकती है, हवा में भी चल सकती है,
ब्रो ये देखो धुआं कैसे छोड़ रही है ब्रो, जैसे रॉकेट नहीं चलता ब्रो। एक नंबर भाई, मैंने जो चीज बनाई है पैसा वसूल बनाई है, जो भी कह लो तो पैसा वसूल कार बना डाली मैंने, पैसा बिल्कुल फुल पैसा वसूल है भाई। मैं भाई हजारों कार ऐसी बना दूंगा पैसा लगा के, मजा आ गया भाई। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भाई, भाई लग रही है कुछ, देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई कार है ऊपर फ्लाइंग। भाई ये कार नीचे भी चलती है, हवा में भी उड़ती है, आपको उड़ा के दिखा दी, इसके पंखे भी चलते हैं, सब कुछ ऑल सेट है, धुआं भी छोड़ती है। अभी इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर का एक लगाऊंगा, जिससे कि ये भाई इसमें एग्जॉस्ट लगा रहे, क्या ज्यादा हो रही है कुछ, ज्यादा नहीं, ज्यादा हद से ज्यादा हो रही है कंट्रोल। तो गाइज इस कैमरे से आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कैमरा एक जगह पे मैंने सेट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक कैमरे बहुत सारे लगाए हुए थे यहाँ पे, देखो अभी ये कैमरे में हमारी कार कुछ ऐसी है। देखो कितने आराम से भाई, इतना ज़्यादा बड़ा फैन लगा दिया ना मैंने, वो धीरे धीरे घूम रहा है और गाड़ी इतनी स्पीड में चलेगी देखना। अभी अगर ये फ़ैन की स्पीड, अगर सच बता रहा हूँ, अगर इस फ़ैन की स्पीड तुम ज़्यादा कर देते हैं ना, जैसे मैं ज़्यादा कर दूँ इस फ़ैन की स्पीड, तो ये कार नहीं मिलने वाली तुम्हें। ये कार तुम्हें जैसे रॉकेट गुजरता है ना सामने से, वैसा सिस्टम होगा, क्योंकि ये आराम से पंखा चल रहा है। देखो जैसे लग रहा है पंखा चल ही नहीं रहा, तब ये कार आराम से चल रही है। अभी देखना तुम कार की स्पीड चेकआउट करो, देखो भाई, देखा 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 भाई क्या स्पीड है भाई। इसको तो मैं यूज़ कर सकता हूँ कार को। देखो थोड़ी सी स्पीड मैंने पंखों की बढ़ाई, कार फ्लाइंग करने लगी, देख रहे हो। अगर इस पंखे की स्पीड बिल्कुल 100 की स्पीड में भगा दो ना पंखा गोल गोल, तो गैस ये तुम समझ लो ये तुम्हें दिखेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा स्पीड से जाएगी ये भाग के, और फ्रैंकलिन तो खत्म ही हो जाएगा तुम्हें पता है। तो गैस ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, ये वीडियो अच्छी लगी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, और गैस टैलेंट नो टैलेंट ओनली फोकस। मजा आ गया भाई ये कार बना के। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो जाके चैनल सब्सक्राइब करना, और भी कॉन्सेप्ट थ्योरी और भी आइडियाज हो आपके दिमाग में बताना, मैं यूज़ करूंगा और बनाऊंगा। तो वैन हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय।